1691st एपिसोड ऑफ नागपुर्स मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो जिसका नाम है राज की बात स्टूडेंट ऑफ द ईयर के साथ. रियली वांट टू थैंक पारिक ब्रदर ज्वेलर्स प्रेजेंटिंग राज की बात स्टूडेंट ऑफ द ईयर इन एसोसिएशन विथ द एलईडी कॉलेज. रियली वांट टू थैंक श्रीमती मनोरमा बाई मुंडले कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर. ऑल्सो वन थैंक लोकमान्य तिलक जन कल्याण शिक्षण संस्था प्रियदर्शनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड प्रियदर्शनी जेएल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग. ऑल्सो अगर आपको चाहिए आपकी मारुति कार तो प्लीज कॉन्टैक्ट अरुण ऑटोमोबाइल्स. हमारी आज की जो मेहमान है शी इज ऑलरेडी अ पास्ट आउट स्टूडेंट ऑफ फ्रॉम दी यू नो दी SMMCA बैचलर्स ऑफ आर्किटेक्चर. शी इज बीन अ टॉपर ऑल हर लाइफ व्हेन इट कम्स टू 5th 6th स्कूल 7th 9th 10th एंड कॉलेज ऑल्सो. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली शी हैज रिसीव्ड अ लॉट ऑफ अप्रिसिएशन अ लॉट ऑफ स्कॉलरशिप्स एंड नाउ अ फ्री बर्ड. क्या करेंगी लाइफ में बात करेंगे हम उनसे जिनका नाम है तन्वी चड्डे. हाय तन्वी. हाउ आर यू. I'm good. How's life? Life is going good. Life after college is kaisi hai life? Life after college is now doing great. Like it's just 2 months. I am passed out, so abhi I am just chilling. Like thinking if I have to do masters, I have to do further studies, or I have to do job or do the architecture practice architecture in front. So right now I'm lit confused and but enjoying the moment. So, but 2 months pehle jab college ka aakhri din tha ya 3 months pehle jab college ka aakhri din tha, how was that? Yeah, the last day I would say कितने दुपट्टे गीले हुए. Actually the every college last day is very overwhelming. Like you have like 5 years of journey, you make new contacts, you make new connections and the whole like process, you know कि आज हमें college जाना है, आज हमें ये करना है and अभी इसके बाद पता है college के पास कुछ नहीं है. मतलब you literally have nothing to do. Right. So वो थोड़ा सा था कि हाँ कि पीछे कुछ छूट रहा है बट कुछ आगे मिलने वाला है. इट्स लाइक कि मेनली कि फ्रेंड्स सब अभी अलग अलग हो जाएंगे, सब अलग अलग डायरेक्शंस में चले जाएंगे. नो वन इज गोना मीट लाइक इन 2 to 3 years यू आर गोना मीट समवन. सो थोड़ा सैड था बट जैसे हमारा आर्किटेक्चर थीसिस होता है फाइनल ईयर में, सो वो थीसिस अच्छे से हुआ. लाइक इतने सालों की मेहनत काम हुई. सो दैट वॉज ए वन हैप्पी मोमेंट की हाँ कि हमने इतने साल कुछ किया है तो कुछ अचीव हुआ है उसमें. सो दैट वाज रियल. व्हाइल यू वर स्टडिंग इन एसएम यू नो एसएमसीए वाज देयर एनी इंटर्नशिप व्हिच यू डिड? या सो आई डिड माय इंटर्नशिप इन आर्किटेक्ट्स यूनाइटेड पुणे. सो इट वाज अ 8 month इंटर्नशिप. सो बेसिकली इन दैट फर्म आई गॉट टू लर्न अबाउट मोर अबाउट हॉस्पिटल्स एंड इंडस्ट्रियल बिकॉज दैट वाज ओरिएंटेड टुवर्ड्स दैट. बट द इंटर्नशिप पीरियड इज द बेस्ट आई वुड से बिकॉज इन द एजुकेशन यू आर जस्ट स्टडी फ्रॉम द बुक्स एंड द थॉट्स. इट्स जस्ट इमेजिनरी. बट वंस यू गो टू द प्रैक्टिकल वर्ल्ड एंड प्रैक्टिकल फील्ड सो यू गेट टू नो हाउ द वॉट वी स्टडीड इज गोइंग टू गेट इम्प्लीमेंटेड. सो जब खुद के प्रोजेक्ट्स इम्प्लीमेंट होते हुए दिखते हैं सो द सेटिस्फेक्शन विच यू गेट कि ये प्लान मैंने बनाया एंड दिस इज गोना गेट एग्जीक्यूटेड सो दैट इज मच बेटर. ऐसा कभी हुआ है कि आप इंटर्नशिप के दौरान आपको कोई कह रहा है कुछ करने के लिए और फिर आप बोलिए ये तो हमको सिखाया नहीं? होता है या. और या कोई आपको कोई चीज ऐसी करने के लिए बोल रहा है और आपने बोला हाँ मैं कर देती हूँ और उन्होंने कहा कि अरे ये आपको पढ़ा है? ऐसा भी हुआ होगा? हाँ बिल्कुल. जैसे अभी हमारे जैसे कॉलेज अगर रह गया तो उसमें हमने जैसे प्रोजेक्ट्स किए थे मोस्टली बस रेसिडेंशियल हॉस्पिटल एंड एवरीथिंग. बट लाइक जैसे होटल वगैरह सब हो गया बट इंडस्ट्रियल वो टच नहीं हुआ था. तो इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट वॉज वेरी न्यू फॉर मी. इवन द हॉस्पिटल लाइक प्रॉपरली फंक्शनिंग हॉस्पिटल वॉज वेरी न्यू बिकॉज इट इंक्लूड्स लॉट्स ऑफ सर्विसेज एंड एवरीथिंग. तो जैसे स्टार्टिंग में जब टास्क मिलता है ये करना है एंड देन वी आर लाइक ब्लैंक कि मतलब नहीं पता इतना तो देन वो थोड़ा सा होता है. बट वंस दे टीच अस कि ये ऐसा है देन इट्स वेरी नाइस. लाइक psychology if we are getting interested in then we can further go to it because it's not psychology mein focus nahi ho sakta. Aapko scholarships bhi mili hai? Yeah. And what was that all about?
So the one scholarship, like the scholarship which college gives, are when you get college topper. So you get different scholarship. Like if fifth sem I am top the college, then I would get one college scholarship. So in the year last year 2020 to 2023, I got the scholarship for best all rounder in academics and non academics. So that scholarship just motivates us to do more further and gives us encouragement. तो आपको तो आप तो वैसे ही बहुत बड़ी टॉपर रही हैं ऑल योर लाइफ, तो ये एक स्कॉलरशिप ने कितना बूस्ट किया कॉन्फिडेंस को? कोई भी मतलब अगर टॉपर भी हो या जो भी है, बट इट्स लाइक कि अगर तुम्हें वो काम करने का अगर अप्रिसिएशन मिल रहा है कि हाँ तुम राइट डायरेक्शन में जा रहे हो, तो तुम्हें मोटिवेशन मिलेगा आगे जाके करने का. अदरवाइज इट्स हैपन कि तुम इतना काम कर रहे हैं कोई नोट ही नहीं कर रहा है. सो थोड़ा सा वो होता है कि एक बैक स्टेप हो जाता है, बट अगर किसी ने अप्रिसिएशन दिया तो देन कि हाँ और करना है, इससे और आगे जाना है. सो दैट्स इट. घर में कौन कौन है? तन्वी के बेसिकली आई हैव अ जॉइंट फैमिली, सो वी आर 18 हु स्टेज टुगेदर, बट 18. ओके. या सो माय आई हैव अ स्मॉल सिस्टर, मॉम एंड डैड व्हिच आर कनेक्ट, एंड देन द एक्सटेंडेड फैमिली. And what kind of profession they are into? Anybody into architecture? No. Actually, all of the 18 have different profession in the family. So there is me as an architect. Then there are doctors, there are engineers, hotel management, teachers, and then bankers, then officers. So each and everyone have different field. So. तो ये जब 18 आपने अपने घर बनाएंगे तब तो आपको 18 project तो मिल ही जाएंगे. Yeah, can say. You can. But what's your interest? You want to get into commercial? You want to get into industrial? Because you interned into an industrial projects also. You want to get into landscaping? You want to get into residential? So basically, I would say as this is a very open field, and after doing architecture, we can't do everything. We have to get a specialization in one typology. So after doing in industrial, I got to know there is a lot of scope in industrial. Right. Because in industrial, it's happened like थोड़ा स्टैंडर्ड रहता है डिजाइन एंड ऑल. सो उसमें जो वी गेट द प्रॉफिट एंड द टाइम लिमिट टू कंस्ट्रक्ट इट इज कंपैरेटिवली स्मॉल देन द अदर टाइपोलॉजीज. सो इट्स मोस्टली इंडस्ट्रियल एंड रेसिडेंशियल इन रिसॉर्ट्स एंड एवरीथिंग, बिकॉज आई लाइक ट्रैवलिंग एंड ऑल्सो आई लाइक रिसॉर्ट्स, सो कैन बी द रिसॉर्ट ऑल्सो. सो योर मेन agenda to become an architect was, why did you become an architect? So basically architecture, everyone just start architecture when they think it's designing, it's drawing and everything, but it's not like that. When you get into the field, you got to know it's not drawing. अगर तुम्हें ड्रॉइंग नहीं भी आता स्टिल यू कैन बी आर्किटेक्ट, बिकॉज इट्स लाइक अ प्रैक्टिकल, इट्स नो नॉलेज एंड एवरीथिंग. सो माय एम वाज टू, एज आई वाज बिट क्रिएटिव, सो आई वांटेड टू गो इन सम फील्ड व्हिच गिव्स यू अ ओपन माइंड टू थिंक अबाउट डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स. सो आर्किटेक्चर ओपन्स योर माइंड, इट गिव्स यू डिफरेंट पर्सपेक्टिव. नाउ As I'm architect, I can see different things very openly. Just first, before doing architecture, when I go restaurant ya whatever we used to go, then bas khana khake then we come back. But now when I go to cafes and everything, I just see how the interior is there, how the spaces are working. So the perspective increase. So basically that was. Tanvi, ab chuki you have passed out from SMMCA. Aap jab इंटर्नशिप भी कर रही थी, मैं इंटर्नशिप पे वापस आता हूँ, जब इंटर्नशिप भी आप कर रही थी तब वहाँ पे कुछ और इंटर्न्स भी होंगे जो कोई और कॉलेज से आए होंगे, है ना, या वहाँ की लोकल एक सीनियर लेवल पे जो आर्किटेक्ट्स आपके साथ काम करे होंगे. व्हाट इज दैट वन थिंग विच यू प्रॉब्ली लर्नड ड्यूरिंग द इंटर्नशिप विच ऑल्सो मेड यू फील दैट यू चोज द राइट कॉलेज टू गो, मतलब SMMCA वॉज द राइट चॉइस ऑफ डूइंग आर्किटेक्चर फॉर यू? Okay, so when I was doing internship, so there were people from Pune colleges, and I was from SMMCA. So when I see the working flow of different colleges and my college, so when I see their academical thing, so in our college promotes more of academic and non-academic activities both.
सो मेनली जो क्लासेस हमारे होते हैं सो इट्स नॉट मोरली थेरेटिकल, उसमें थोड़े प्रैक्टिकल एक्टिविटीज रहेंगे, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज रहते हैं, देन वी हैव सम गेस्ट लेक्चर्स एंड एवरीथिंग. सो जो एक्सपोजर जो मिलता है विच इज मोर व्हेन आई टॉक टू देम, इट्स लाइक मोर ऑफ प्रैक्टिकली दे आर वर्किंग ऑन. एंड जैसे हमारे जो स्टडी टूर्स होते हैं देन इन स्टडी टूर्स ऑल्सो वी एन्जॉय एंड वर्क बोथ. सो जैसे रिस्ट्रिक्शंस जो है वो कम है, लाइक तुम अपनी क्रिएटिविटी करो. इफ वी आर सिलेक्टिंग टॉपिक दे आर नॉट टेलिंग कि तुम यही टॉपिक लो देन यू हैव टू वर्क ऑन इट. दे गिव अस फ्लेक्सिबिलिटी कि यू कैन गो एंड रिसर्च ऑन योर एल्स एंड जो तुम्हें टॉपिक इंटरेस्ट का है यू कैन वर्क ऑन इट. बट इन द अदर कॉलेजेस इफ लाइक व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट मेनली थीसिस, सो थोड़ा सा रिजिड है कि नहीं ऐसा इट कांट बी वर्क, यू कांट डू इमेजिनरी प्रोजेक्ट्स एंड एवरीथिंग. बट आर कॉलेज इफ द थॉट इज गुड सो दे वुड प्रमोट अस, द टीचर्स विल सपोर्ट अस टू डू द वर्क. वन आर्किटेक्ट और वन इंटीरियर डिजाइनर इन नागपुर यू वांट टू वर्क विद? आई वुड से मोखा सवर्ड गो बिकॉज द वर्क फ्लो ऑफ देम आई लाइक एंड दे डोंट डू द प्रोजेक्ट इन नागपुर ऑनली, दे हैव प्रोजेक्ट आउटसाइड ऑल्सो. सो आई लाइक द एनवायरमेंट बिकॉज वन ऑफ माई फ्रेंड वॉज डूइंग इंटर्नशिप ओवर देयर. सो आफ्टर लिसनिंग हर एक्सपीरियंस एंड द टाइप ऑफ वर्क विच आई सॉ, सो इट वॉज क्वाइट इंटरेस्टिंग टू वर्क विद. सो ओके, व्हाट्स अ कोर ऑफ योर लाइफ? To live in the present and enjoy the life right now rather than thinking of much later. So I would say ki agar you want to do something right now then do it and enjoy that moment because you don't know what's going to happen next. One message to all your juniors studying at SMMCA. I would say enjoy your college life, and because we mostly in architecture has ki last tak kaam karna hai then rat mein bhi kaam karna hai, so I will say enjoy that period because it's not gonna come back. So I will say enjoy your college life because it's best. आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. आई थिंक एज फार एज योर will or your wish to work with Mocha sir is, I'm sure I will take this episode to him. He'll watch this show and he will, you know, think over that. I think a great message coming for all those, you know, young buddies out there who are in the college right now, because people, you know, seniors like you, when you come out and you say that, you know, enjoy your college life, it means a lot, because then, you know, everybody should realize the fact that ye din wapas nahi aane wale hai na, aur zindagi milegi na dobara. So you should live the moment. आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच. सुपर तन्वी चड्डे, मेरी आज की यू नो स्टूडेंट ऑफ द ईयर. आई एम श्योर यू नो ऑल द जूनियर्स आउट देयर स्टडिंग एट SMMCA वुड बी रियली एक्साइटेड टू कम टू नो दैट यू नो देयर टॉपर ऑफ द कॉलेज इज चिलिंग नाउ. सो यू कैन ऑल्सो चिल वाइल यू आर स्टडिंग एंड थिंग्स वोंट कम बैक. आई मीन टाइम यू नो जो वक्त है वो तो दोबारा पलट के कभी वापस नहीं आता. तो इस वक्त को हम एंजॉय करें और आप जिंदा रहें. जय हिंद.